डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेंडल्स मेथड। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के दो तरीके होते हैं, ड्यूमास मेथड हमने कर लिया, अब जेंडल्स मेथड है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन की क्वांटिटी कितनी है वो पता करनी है, तो जेंडल मेथड कैसे हेल्प करता देखो। इन जेंडल्स मेथड द कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले क्या स्टेप है, जिस भी कंपाउंड में आपको नाइट्रोजन की मात्रा पता करनी है उसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर दीजिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सारा का सारा नाइट्रोजन कहाँ आ चुका है, अब अमोनियम सल्फेट में आ चुका है। अब क्या करूं, द रिजल्टिंग एसिड मिक्सचर इज देन हीटेड विद एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो मिक्सचर था नाइट्रोजन और एस्ट्रोसोफोर का जो मिक्सचर था जो कि अमोनियम सल्फेट उसमें बन चुका है, उसमें आपने क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के हीट कर दिया। ये एक जनरल रिएक्शन होती है, आपको कोई भी अमोनियम सॉल्ट मिल जाए ना, कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो उसको OH नेगेटिव के साथ ट्रीट करो, अमोनिया बनेगा, ये जनरल रिएक्शन है। तो अमोनियम सल्फेट में NH4 प्लस आयन ही है, इसको आपने NaOH के साथ मतलब OH नेगेटिव के साथ हीट कर दिया, क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा NH3। मतलब जो यहाँ पे सारा का सारा नाइट्रोजन था अमोनियम में वो कहाँ आ गया, अमोनिया में आ गया। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना नाइट्रोजन था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, अब अमोनिया में कन्वर्ट हो चुका है। फिर क्या करो, द लिबरेटेड अमोनिया गैस इज एब्जॉर्ब्ड इन एन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसको ये कितना अमोनिया था ये पता करने के लिए क्या करते हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड का स्टैंडर्ड सोल्यूशन मतलब उस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन वगैरह आपको पता होती है सल्फ्यूरिक एसिड की जिसमें आप अमोनिया को अब्जॉर्ब कर देते हो। ये एस्ट्रोसोफोर का सोल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, उसमें आपने ये अमोनिया गैस पास कर दी जो ऊपर इवॉल्व हुई है। तो रिएक्शन क्या होगा, अमोनिया प्लस एस्ट्रोसोफोर बिकम्स अमोनियम सल्फेट, तो ये अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। फिर क्या करना है, द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इज डिटरमाइंड बाय एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। तो ये जो कंटेनर था जिसमें आपको ये पता था H2SO4, ये जो आपने कंटेनर लिया है ना H2SO4, इसका वॉल्यूम पता है आपको कितना है, सपोज VML है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है आपको H2SO4 कितनी है, सपोज M मोल पर लीटर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों चीजें पता है आपको। इसमें आपने क्या पास कर दिया था, अमोनिया, तो अमोनिया इसके साथ रिएक्ट करके क्या बन गया, अमोनियम सल्फेट है ना। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि H2SO4 कितना रिएक्ट किया, देखो अमोनिया प्लस H2SO4 बिकम्स अमोनियम सल्फेट, अगर आपको ये पता चल जाए कि यहाँ कितना H2SO4 रिएक्ट किया, तो आपको ये पता चल जाएगा अमोनिया कितना रिएक्ट किया, क्योंकि जितना H2SO4 रिएक्ट किया उतना ही उससे डबल, ये टू लगाना पड़ेगा, बैलेंस, यहाँ बैलेंस लिखी हुई है नीचे, इसको बैलेंस करोगे ये आएगा ना, टू टाइम्स अमोनिया प्लस H2SO4 NH4 ट्वाइस H2SO4, ठीक है ना, यहाँ लिखी हुई है रिएक्शन, ये रहा है ना। तो जितना H2SO4 कंज्यूम हुआ अमोनिया उससे डबल है। अब H2SO4 कंज्यूम कितना हुआ ये पता कैसे चलेगा, वो पता चलेगा जितना बच गया उससे, आपने लिया था इतना पहले, कुछ रिएक्ट कर जाएगा अमोनिया के साथ, कुछ बच जाएगा, जो बचा हुआ है उसको एस्टिमेट कर लो। तो द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इज डिटरमाइंड बाय एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में H2SO4 कितना कंज्यूम हुआ उससे पता चल जाता है अमोनिया कितना बना था। तो इट इज डन बाय एस्टिमेटिंग द अनरिएक्टेड सल्फ्यूरिक एसिड लेफ्ट आफ्टर अब्सॉर्प्शन ऑफ अमोनिया बाय टाइट्रेटिंग इट विद स्टैंडर्ड अल्कली सॉल्यूशन। ये अमोनिया पास करने के बाद H2SO4 जितना बच गया वो पता कर लेते हैं, कैसे पता करते हैं, उसको NaOH के साथ रिएक्ट करके। द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल अमाउंट ऑफ एसिड टेकन एंड दैट लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन गिव्स अमाउंट ऑफ एसिड रिएक्टेड विद अमोनिया। जितना NaOH मतलब
अमोनिया पास करने के बाद ये बन गया। जितना बच गया एच2SO4 उसको किसके साथ रिएक्ट कर लिया, NaOH के साथ रिएक्ट कर लिया, तो बन जाएगा Na2SO4+ वाटर। तो अब यहां कितना रिएक्ट कर गया एच2SO4 ये आप मेजर कर लेते हो, ठीक है ना। तो यहां कितना बचा और कितना लिया था इतना, बचा इतना, तो जो डिफरेंस है मतलब वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करा, उससे पता चल जाता है कि कितना अमोनिया था। देखते हैं आप कैलकुलेशन यहां करके दिखाइए, शुरू से सारा कैलकुलेशन करके दिखाया। लेट मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन इज एम, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप नाइट्रोजन की मात्रा पता करना चाहते हो उसका वेट मान लो एम है। जो वॉल्यूम आपने H2SO4 का स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिया है, जो मान लीजिए उसकी मोलैरिटी है एम, मोलैरिटी है एम मतलब एम मोल्स पर लीटर, उसका वॉल्यूम मान लो वी एम एल, ठीक है। फिर क्या NaOH की मोलैरिटी एम है सपोज, ठीक है। अब मान लीजिए पूरी प्रोसेस समझ में आ गई क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका आपको पता करना है जिसमें नाइट्रोजन कितनी है उसका वेट कितना है एम ग्राम। ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले आपने H2SO4 के साथ बॉयल किया, फिर उसमें NaOH पास कर दिया तो अमोनिया बन गया था ना, इसमें सारी की सारी नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट होगी अमोनिया में। फिर आपने अमोनिया को किसके साथ ट्रीट किया, एक H2SO4 के नॉन सोल्यूशन के साथ। नॉन सोल्यूशन मतलब इसका क्या पता था, इसकी मोलैरिटी है एम, इसका वॉल्यूम है वी एम एल, इस H2SO4 के जिसमें आपने अमोनिया पास किया। समझ में आ गई बात। अमोनिया पास करने के बाद कुछ कुछ H2SO4 बच जाएगा, इसमें कुछ H2SO4 बच जाएगा, वो बचा हुआ H2SO4 किसके साथ रिएक्ट करा आपने NaOH के साथ कर लिया जो बच गया था। और NaOH का जो मोलैरिटी है कितना है एम, इसकी मोलैरिटी कितनी हम ली है एम, और उसका वॉल्यूम कितना यूज हुआ V1ml, किसका NaOH का, बचे हुए H2SO4 के साथ रिएक्ट करने में। समझ में आ गई बात है। अब देखो अब कैलकुलेशन करेंगे कैसे, ये तो हमने एक्सपेरिमेंट करा, अब हम कैलकुलेशन करते हैं। इनिशियल मोल्स ऑफ H2SO4, इनिशियल मोल मतलब ये यहां पे, यहां कितने मोल थे H2SO4 के, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ये होता है ना मोलैरिटी। एमएल में करना हो तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन एमएल इनटू 1000, ये होता है ना, दोनों फॉर्मूले पता है हमको ना। यहाँ पे हमने क्या किया, अच्छा लीटर वाला ही लिया, चलो ठीक है, ये वाला फॉर्मूला देख लो। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। नाउ मोलैरिटी ऑफ H2SO4 कितनी है एम, इसकी मोलैरिटी एम, वॉल्यूम कितना है लीटर में वी एम एल है, तो वी एम एल को लीटर में करोगे तो वी बाय 1000, इतने मोल H2SO4 था इसमें। जो आपने अमोनिया पास जिस H2SO4 में करा है उसके मोल कितने थे एम इंटू वी बाय 1000 मोल। समझ में आई बात। अब NaOH के कितने मोल होंगे, सेम नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या आएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी कितनी लिया आपने NaOH की एम, वॉल्यूम कितना लिया वी वन, देखो NaOH की मोलैरिटी कितनी आपने लिया है एम, वॉल्यूम वी वन, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH कितने आ जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वी वन बाय 1000, ठीक है ना। ओके अब रिएक्शन देखते हैं, पहले हम H2SO4 को NaOH के साथ देख के करते हैं। तो NaOH प्लस H2SO4 ये रिएक्शन होगा बाय स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री क्या कहती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH डिवाइड बाय उसका कोफिशिएंट कितना है 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय उसका कोफिशिएंट 1। ये क्या है, जितना H2SO4 NaOH के साथ रिएक्ट करा वही है ना, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH कितना है m इनटू v1 बाय 1000 अपॉन 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 रिएक्टेड विद NaOH, यहां से आ जाएगा ना। तो H2SO4 जितना NaOH के साथ रिएक्ट करा इतने मोल थे, समझ में आ गई बात है, जितना रिएक्ट करा। सो देखो तो इतने मोल H2SO4
रिमेन्ड टू रिएक्ट विद NaOH. NaOH के साथ कितना रिएक्ट करा? इतना. तो अमोनिया के साथ कितना रिएक्ट करेगा बताओ? जितना शुरू में लिया था, लिया कितना था शुरू में? H2SO4 कितना लिया था? इतना ना. इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने थे? M इंटू V बाय 1000. NaOH के साथ कितना रिएक्ट कर गया? इतना. ये रहा, इतना NaOH के साथ रिएक्ट कर गया. तो बचा कितना? मतलब जो अमोनिया के साथ रिएक्ट करा वो कितना होगा? इतना आपने शुरू में लिया था, NaOH के साथ इतना रिएक्ट करा, तो जो डिफरेंस है वो किसके साथ रिएक्ट करा? अमोनिया के साथ रिएक्ट करा. तो मोल्स ऑफ H2SO4 दैट रिएक्टेड विद अमोनिया इज इक्वल टू इनिशियल मोल्स ऑफ H2SO4 माइनस मोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्ट विद NaOH. तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, m इंटू वी अपॉन 1000, इतना तो इनिशियल लिया था हमने, m इंटू वी 1/2000, ये NH के साथ रिएक्ट कर गया. तो इतना जो था वो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर, समझ में आई बात? अब अमोनिया के साथ क्या रिएक्शन थी? अमोनिया प्लस H2SO4 गिव्स ये. अब बाय स्टोइकोमेट्री नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय स्कोप ऑप्शन कितना है? 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय 1. ये H2SO4 कौन सा जो अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना? कितना रिएक्ट करा अमोनिया के साथ? इतना, ठीक है ना? तो वो वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया आ जाएंगे. देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया 2 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, वो तो यहीं से आ गया. इस 2 को यहां ले जाओ, इस तरफ ले जाओ, ठीक है ना? इस 2 को यहां ले जाओ. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इक्वल 2 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्टेड विद अमोनिया. ये आ गया ये. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्टेड विद अमोनिया की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इतने आ गए. चलो अब अमोनिया क्या होता है? NH3. इस अमोनिया में जितना नाइट्रोजन है उतना ही तो नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा. तो जितने मोल अमोनिया के उतने ही मोल नाइट्रोजन के. देखो नाइट्रोजन का कॉफिशियंट तो है 1 है. तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया. तो मतलब नाइट्रोजन के मोल भी इतने ही थे जितने अमोनिया के मोल थे. हो गया हमारा काम. तो अब नाइट्रोजन का मास क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन. मास का फॉर्मूला ये होता है ना, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास. तो नंबर ऑफ मोल इतने, मोलर मास नाइट्रोजन का कितना है? 14, 14 ग्राम पर मोल आ गया. इतना वेट नाइट्रोजन का था ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतना वेट था नाइट्रोजन का. तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितनी होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड में? जितना उसमें नाइट्रोजन का मास है डिवाइड बाय जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है इनटू 100. तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो. एम तो गिवन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड था इनटू 100. तो इससे आपको पता चल जाएगा. तो ये कैलकुलेशन नहीं याद रखनी आपको, ये तरीका पता होना चाहिए. सम अब ये फॉर्मूला रटते फिरोगे तो कर सकते हो, ये फॉर्मूला रट के भी क्वेश्चन कर सकते हो. पर अच्छा तरीका क्या है कि पूरा मेथड आपके दिमाग में हो तो फिर याद नहीं करना पड़ता, ठीक है ना? किया क्या है? कुछ नहीं किया, सिंपल. जितना भी नाइट्रोजन उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर लिया. अमोनिया में कन्वर्ट करने के बाद उस अमोनिया को H2SO4 में पास कर दिया. अमोनिया को H2SO4 में पास करने के बाद कुछ H2SO4 बच जाएगा, उस H2SO4 को NaOH के साथ रिएक्ट करा लिया. तो NaOH के साथ जितना रिएक्ट करा वो कैलकुलेट कर लो, शुरू में जितना लिया था वो पता कर लो, डिफरेंस जो आएगा वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करा. बस इतनी सी बात है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? ये एक नोट है, जो जेल्डल मेथड है इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रो नाइट्रोजन इन नाइट्रो, अगर नाइट्रो के फॉर्म में है. एजो, एजो मतलब ये, इस ग्रुप को एजो बोलते हैं, एजो ग्रुप. एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग जैसे पिरिडिन. तो अगर नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट है जैसे पिरिडिन हो गया, या नाइट्रो या एजो ग्रुप में है, इस केसेस में आप जेल्डल मेथड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इन कंपाउंड्स में से नाइट्रोजन को अमोनिया नहीं, अमोनिया में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है ना? आप इसको H2SO4 के साथ हीट करोगे तो अमोनिया नहीं बनने वाला, इसलिए इन कंपाउंड्स में जेल्डल मेथड एप्लीकेबल नहीं होता. अब देखो इसका क्वेश्चन है, क्यों करते हैं? ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डल्स मेथड द अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड का वेट कितना है? 0.5 ग्राम.
न्यूट्रलाइज्ड 10 ml ऑफ 1 मोलर एस्टोसोफोर। देखो उसने सीधा ही बता दिया, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, उसने सीधा ही बता दिया कि अमोनिया कितने एस्टोसोफोर के साथ रिएक्ट करा, सीधा ही बता दिया उसने, सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो देखो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस्टोसोफोर कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये तो पता चल गया ना, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी कितनी है एस्टोसोफोर की, 1 मोलर लीटर, वॉल्यूम कितना है 10 ml मतलब 0.01 लीटर, तो 0.01 मोल एस्टोसोफोर है, एस्टोसोफोर कितना है 0.01, तो 2 टाइम्स अमोनिया प्लस एस्टोसोफोर बन गया अमोनियम सल्फेट। तो बाय स्टोइकोमेट्री नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस्टोसोफोर डिवाइड बाय 1, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया क्या आएगा, 2 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस्टोसोफोर। इसके मोल कितने थे एस्टोसोफोर के, 0.01, तो अमोनिया कितने आ जाएंगे 0.02, तो जितने अमोनिया के मोल्स उतने ही नाइट्रोजन के मोल्स, क्योंकि NH3 है ना, एक अमोनिया में एक नाइट्रोजन है, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया मतलब 0.02 मोल। तो मास कितना आएगा नाइट्रोजन का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन मतलब 0.02 × 14.28 ग्राम, इतना ग्राम नाइट्रोजन था, परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास गिवन है 0.5 ग्राम, तो 56% आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा पूरा पूरा मेथड पे है क्वेश्चन, देखो अगले क्वेश्चन से और क्लैरिटी आएगी मेथड में हुआ क्या है। ए सैंपल ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉज ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू जेल्डल्स मेथड, तो इतना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया आपने, द अमोनिया इवॉल्व वॉज एब्जॉर्ब इन इतने ml इतने मोलर एस्टोसोफोर, तो जो अमोनिया बनेगा उसको किससे पास किया, 0.5 मोलर 50 ml एस्टोसोफोर से इसमें से अमोनिया पास कर दिया, ठीक है। द रेजिडुअल एसिड रिक्वायर्ड मतलब एस्टोसोफोर जितना अमोनिया पास करने के बाद कुछ एसिड बच जाएगा, ठीक है ना, जो बच गया उसको किसके साथ ट्रीट करते हैं हम, एनएच के साथ, कितना एनएच लग गया 60 ml ऑफ 0.5 मोलर, 60 ml ऑफ 0.5 मोलर एनएच लग गया, बताना कितना परसेंटेज था, पूरा क्वेश्चन अभी देखो कैसे करेंगे। पहले तो बताओ यहाँ पे इसमें इनिशियल मोल जो लिए थे आपने, यहाँ पे एस्टोसोफोर के कितने मोल थे कैसे निकालोगे, इनिशियल मोल्स ऑफ एस्टोसोफोर इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी कितनी है इसकी 0.05, वॉल्यूम कितना है 50 ml मतलब 0.5 लीटर, इतने मोल मतलब यहाँ पे कितने मोल एस्टोसोफोर प्रेजेंट है 0.025 मोल, ठीक है ना। अब NaOH का कितने मोल यूज हो गया, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, मोलैरिटी कितनी है 0.05 मोलर, वॉल्यूम कितना है 60 ml मतलब 0.06 लीटर, 0.03 मोल मतलब NaOH के कितने मोल, यहाँ तो ये तो नीचे एस्टोसोफोर है, NaOH के कितने मोल प्रेजेंट है 0.03 मोल। अब देखो पहले यहाँ पे ये रिएक्शन करेंगे, पहले NaOH एस्टोसोफोर के साथ रिएक्ट करेगा, तो 2 NaOH प्लस एस्टोसोफोर बिकम Na2SO4 प्लस 2H2O, सो बाय स्टोइकोमेट्री नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस्टोसोफोर रिएक्टेड विद NaOH डिवाइड बाय 1, यही आएगा ना, NaOH डिवाइड बाय स्टोक ऑफिशिएंट 2 इज इक्वल टू एस्टोसोफोर डिवाइड बाय स्टोक ऑफिशिएंट 1, तो NaOH के कितने मोल है 0.03, 0.03 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस्टोसोफोर रिएक्टेड विद NaOH डिवाइड बाय 1, तो एस्टोसोफोर जो रिएक्ट कर गया NaOH के साथ कितना है 0.01, मतलब यहाँ पे जो रिएक्ट करा वो कितना है 0.015 मोल, इतने मोल एस्टोसोफोर रिएक्ट करा है, था कितना शुरू में, इसमें था कितना 0.025, NaOH के साथ इतना रिएक्ट करा मतलब अमोनिया के साथ कितना रिएक्ट करा, दिस माइनस, समझ में आ गई बात, तो मोल्स ऑफ एस्टोसोफोर दैट रिएक्टेड विद
NH3 इज इक्वल टू इनिशियल मोल्स ऑफ H2SO4 माइनस जितना NaOH के साथ रिएक्ट करा, माइनस करके 0.01 मोल आ गया, ठीक है ना। तो अमोनिया के साथ इतना H2SO4 रिएक्ट करा तो अमोनिया कितना था, ये रिएक्शन होती है। देखो अगर अमोनिया का H2SO4 का 1 मोल है तो अमोनिया के 2 मोल लगते हैं, मतलब जितना H2SO4 से डबल अमोनिया है, समझ में आ गई ना बात। तो अगर H2SO4 0.01 है तो अमोनिया 0.02 होगा, ठीक है ना बात है। फॉर्मूला से करना है, फॉर्मूला से कर लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय कॉफिशेंट 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय कॉफिशेंट 1। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया 2 इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 2 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, इतने मोल आ गए, हो गया हमारा काम। अगर इतने मोल अमोनिया तो नाइट्रोजन का मोल भी इतना ही होगा, क्योंकि अमोनिया में NH3 में एक एन होता है, तो इतने मोल नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब तो हो गया ना क्वेश्चन। तो इतने ही मोल नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, है ना। तो मास कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन 14, सेम ही आंसर आ गया। तो 0.02 इंटू 14, 0.28 ग्राम नाइट्रोजन था आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालोगे, मास ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 156%।